किसान भाइयों नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है किसान भाइयों जब हम समस्या में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि को कोई हमारा साथी आके हम उसे समस्या का समाधान बताए हमारा साथ दे और उस संकट की घड़ी में हमें सांत्वना दे खेती बाड़ी का काम भी कुछ ऐसा ही है कार्य करते करते विभिन्न प्रकार की समस्याएँ किसान भाइयों के सामने आती हैं लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए एक सच्चा साथी है हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन इसके माध्यम से हम आप तक उन सभी जानकारियों को लेकर आते हैं जो खेती बाड़ी के कामों को आसान बनाती हैं आज भी कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरे खेती की भाइयों नमस्कार खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। राज्यपाल ने कहा किसानों तक पहुंचाएं कृषि नवाचार खारे पानी में किसान अपनाए बेर की बागवानी और भूमिहीन किसानों के लिए मुर्गी पालन आमदनी का सस्ता जरिया राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का अवलोकन कर कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि कृषि नवाचारों को किसानों तक पहुंचाएं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का अवलोकन कर विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया वहीं कृषि वैज्ञानिकों की बैठक को भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि लैब को इनोवेशन लैंड पर पहुंचाने की जरूरत है किसानों को कृषि नवाचारों का लाभ मिलना चाहिए इससे उनकी आय में बढ़ोतरी संभव होगी राज्यपाल ने उद्योग मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की बात भी वैज्ञानिकों से कही के कुलपति डॉक्टर बी आर चौधरी ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के बारे में जानकारी दी वहीं उपकुल सचिव डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने अपने प्रस्तुतिकरण में बीज उत्पादन नवीन किस्म अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन विभिन्न एमओ किसान मेले प्रशिक्षण शिविर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी इससे पूर्व राज्यपाल मिश्र ने विश्वविद्यालय के अनुसंधान फार्म का अवलोकन किया मुख्य प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया इस मौके पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया भरतपुर में कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि क्षेत्र के किसान खारे पानी में बेर करोंदा बैंगन और पालक की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं आत्मा परियोजना भरतपुर और राणा सांगा एफ के संयुक्त तत्वावधान में सुरजापुर गांव में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रशिक्षण के दौरान किसानों को कृषि उद्यान की विभाग की योजनाओं के बारे में बताया गया वहीं खारे पानी में आय बढ़ाने के तरीके भी किसानों को बताए गए प्रशिक्षण में कृषि महाविद्यालय कुमेर के अधिष्ठाता डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा कि भरतपुर जिले के अधिकांश गाँवों में पानी लवणीय है इससे सामान्य फसलों से आशातीत उत्पादन नहीं मिल पाता है ऐसे में किसान पालक बैंगन करोंदा और बेर की खेती करके अपनी आय को मजबूती दे सकते हैं कार्यक्रम को ध्यान की विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा ने भी संबोधित किया उन्होंने किसानों को एफपीओ गठन और संरक्षित खेती के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि किसान फार्म पौंड के जरिए बरसाती पानी को इकट्ठा करके संरक्षित फसलों का उत्पादन ले सकते हैं सरकार ग्रीन हाउस शेडनेट पॉलीहाउस के साथ साथ कच्चे और पक्के फार्म पॉन्ड पर अनुदान उपलब्ध करवा रही है कार्यक्रम में कृषि विभाग के सहायक निदेशक सुरेश कुमार गुप्ता ने किसानों को कच्चे फार्म पॉन्ड तारबंदी कृषि यंत्र पौध संरक्षण पीएम फसल बीमा योजना के बारे में और साथ ही सहायक कृषि अधिकारी हेतराम शर्मा ने जैविक खेती के बारे में जानकारी दी राणा सांगा एफ के अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह ने बताया कि एफ सदस्य किसानों को कृषि आदान उपलब्ध करवा रहा है वहीं बाजार मूल्य से ज्यादा दाम पर फसल की खरीद भी कर रहा है केवी के, के शाहपुरा में आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि भूमिहीन किसान एक यूनिट से मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाहपुरा के द्वारा मुर्गी पालन द्वारा उद्यमिता विकास विषयक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया पंद्रह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों को मुर्गी पालन प्रबंधन के गुर सिखाए केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सी एम यादव ने कहा कि मुर्गी पालन भूमिहीन के साथ साथ सीमांत किसानों के लिए भी लाभकारी है 10 से 12 मुर्गियों के साथ यह व्यवसाय शुरू किया जा सकता है अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय किसानों को निशुल्क चूजे उपलब्ध करवा रहा है उन्होंने किसानों को मुर्गियों के आवास आहार स्वास्थ्य प्रबंधन टीकाकरण अंडा उत्पादन भंडारण और विपणन के बारे में जानकारी दी वहीं डॉ केसी नागर ने प्राकृतिक खेती फसल विविधीकरण फसल चक्र और बीजू उत्पादन के बारे में जानकारी दी प्रशिक्षण के दौरान उद्यान की वैज्ञानिक डॉ राजेश जलवानिया ने किसानों को मुर्गी खाद का उद्यानिक फसलों में उपयोग का तरीका बताया उन्होंने कहा कि मुर्गी बीट को किसान सीधे ही जैविक खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं फार्म मैनेजर गोपाल लाल टेपन ने मुर्गियों की उन्नत नस्ल प्रतापधन कड़कनाथ अंकलेश्वर चेबरा की विशेषताओं और वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता प्रकाश कुमावत ने महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के बारे में जानकारी दी प्रशिक्षण में तीस किसानों ने भाग लिया किसान भाइयों खबरें खेती की में आज इतना ही आप देखते रहिए कृषि दर्शन नमस्कार किसान भाइयों कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि किसान भाई जब खेती बाड़ी का काम करते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं उसमें से एक प्रमुख समस्या होती है रोगों की गेहूं की और जौ की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका निदान कैसे किया जा सकता है इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत जी को डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गेहूं और जौ की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं गेहूं और जौ की फसल में अन्य फसलों की बात है गेहूँ और जो की फसल में भी बहुत सारी व्याधियाँ लगती है तो गेहूँ और जो की फसल में जो रोग लगते हैं उनको हम तीन श्रेणी में बांट सकते हैं एक तो वो रोग जो जिनके लक्षण हमें बाली के ऊपर प्रकट होते हैं दूसरे वो रोग जिनके लक्षण पत्तियों पर प्रकट होते हैं और तीसरी श्रेणी के वो वह रोग होते हैं जिनका जिनके लक्षण जड़ में प्रकट होते हैं तो जो बाली में होने वाले रोग हैं उनमें से उनमें उनकी हम बात करें तो कंडवा रोग होते हैं किसान भाई अपनी भाषा में इसको काग्या रोग के नाम से बोलते हैं तो गेहूँ और जो में कंडवा रोग लगते हैं गेहूँ के अंदर अनावर कंडवा रोग होता है जो जो में भी अनवा अनावर कंंड रोग लगता है और गेहूँ के अंदर एक कंडवा रोग और लगता है जिसका नाम होता है ध्वज कंड रोग और जौ के अंदर लगता है आवर्ध कंडवा रोग इस प्रकार से ये तीन प्रकार के कंडवा रोग लगते हैं गेहूँ और जो में और जहाँ तक पत्ती पर लगने वाले रोग हैं उसमें रोली रोग लगता है जिसमें पीली रोली होती है भूरी रोली होती है काली रोली होती है इसी प्रकार से जड़ के अंदर जो रोग लगता है उसमें मुख्य रूप से मोला रोग लगता है इस प्रकार से गेहूँ और जो में इस ए, ये प्रमुख रूप से रोग लगते हैं डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया कि इतने प्रकार के रोग हमारे गेहूँ और जो की फसल में लगते हैं तो इन रोगों की पहचान हमारे किसान भाई कैसे करें कंडवा रोगों की जहां तक बात है ये एक तो होता है अनवर्त कणुआ रोग जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जौ और गेहूँ दोनों की दोनों फसलों में होता है इसमें आप देख रहे हैं ये जो काला काला पाउडर है ये जो रोगजनक जो कवक है उसके बीजाणु हैं और जहाँ पे फूल के अंदर दाना बनना चाहिए था उस दाने के स्थान पे इस फंगस के काले पाउडर भर जाते हैं और आप देखते हैं कि ये जो पाउडर है वो एक प्रारंभ में एक बहुत ही नाजुक झिल्ली के द्वारा ढके रहते हैं और ये हवा के संपर्क में आते ही झिल्ली फट जाती है जिसमें से ये काला पाउडर बाहर निकलता रहता है और जो स्वस्थ बाली होती है उसके अंदर जो दाने बनते हैं उनको दाने को संक्रमित करता है हालांकि ये दाना बनने की प्रक्रिया को नहीं रोकता है लेकिन जो दाना बनता है वो संक्रमित हो जाता है दूसरा जो जो कवर कंडवा रोग होता है वो होता है कवड स्मट कव स्मट में जिसको हम हिंदी हिंदी के अंदर बोलते हैं आवर्त कंडवा रोग आवर्त कंडवा का मतलब हो गया कि इसमें एक आवरण होता है जो झिल्ली होती है वो काफ़ी मजबूत होती है और हवा के संपर्क में आने पर ये टूटती नहीं है और ये जब फसल की कटाई होती है और जब गहाई के अंदर जब ये बालियाँ जाती है उस समय ये टूटती है और उसमें से ये काला पाउडर जैसे कि मैं आपको तोड़ के निकाल के दिखा रहा हूँ ये काला पाउडर इसमें से निकलता है बाहर और ये स्वस्थ जो दाने होते हैं जो पे जो के दाने उनके ऊपर चिपक जाते हैं और इस प्रकार से दाने को संक्रमित करते हैं और उन दानों को जब हम बीज के रूप में काम में लेते हैं तो इस प्रकार के रोग प्रकट हो जाते हैं तो ये जो कंडवा रोग है जिसको हम आवर्त कंडवा रोग बोलते हैं इस ये बाह्य बीजोड़ रोग होता है और जो अनावर्त कंडवा रोग है वो अंत्य बीजोड़ रोग होता है तो ये दोनों कंडवा रोगों में फ़र्क होता है लेकिन इन दोनों कंडवा रोगों के लक्षण यही है कि जहाँ पे बीज बनना चाहिए उस जहाँ दाना बनना चाहिए उसके स्थान पर कवक के काले पाउडर जो बीजाणु बीजाणु जो है वो काले पाउडर के रूप में भर जाते हैं और इस बीमारी में आप देखिए कि नुकसान कितना होता है जितना प्रतिशत पर, बीमारी होगी खेत में उतना प्रतिशत ही नुकसान होगा उदाहरण के तौर पर जहाँ पर सौ बोरी गेहूँ या जो होना चाहिए था और वहाँ पर यदि दस प्रतिशत कंडवा रोग का प्रकोप है इसका मतलब वहाँ पर नब्बे बोरी उत्पादन होगा तो ये बीमारी बहुत ही नुकसानदायक है डॉक्टर साहब किसान भाई इस रोग की पहचान कर ले लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम किस प्रकार से इन रोगों से बचें किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि इन बीमारियों का निदान बहुत आसान है लेकिन उचित समय पर सही कदम उठाना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये बिजोड़ रोग है बीज के माध्यम से आते हैं इसलिए उचित बीजोपचार करना बहुत आवश्यक होता है इसके लिए तो जिन किसान भाइयों ने बीजोपचार करा है और इसके लिए जो संशोधित दवा है वो टेबूकोना जोल दो प्रतिशत डी एस के नाम से एक दवा आती है उस दवा का इस्तेमाल हमें एक ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए यदि ये दवा हमें मार्केट में उपलब्ध नहीं हो बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो तो दूसरा हमारे पास में इसका ऑप्शन है वो है कि कार्बोक्सिन और थाइराम का मिश्रण होता है ये दोनों मिश्रण एक अनुपात एक में होते हैं 70 पचहत्तर परसेंट डब्ल्यू का ये मिश्रण होता है उस इसकी मात्रा हम दो ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से काम में लेते हैं तो दोनों में से कोई भी कवकनाशक जो दवा बीज उपचार के लिए हम काम में ले सकते हैं यदि जिन किसान भाइयों ने इनसे बीज उपचार करा है उनके खेतों में कंडवा रोग की कोई संभावना नहीं है लेकिन किसान भाइयों खड़ी खड़ी फसल में जब इस रोग का प्रकोप हो जाता है तो फिर हमें कभी भी दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए इस बीमारी के अंदर होता है क्या कि एक चक्री बीमारी है इसके अंदर जो काले काले पाउडर भर गए हैं जिस बीजा जिस बाली में उसको ठीक नहीं किया जा सकता लेकिन एक ही मौसम में एक ही सीजन में ये जो कवक है वो स्वस्थ बाली को काले पाउडर के रूप में परिणित नहीं कर सकती इसलिए हमें आर्थिक रूप से जो सीज़न होता है एक ही सीज़न में नुकसान नहीं होता है तो हमें दवाई चिटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है हाँ यदि आपको इसी उत्पाद को बीज के रूप में काम में लेना है तो जो रोगग्रस्त बालियाँ हैं उनको सावधानी पूर्वक किसी कागज़ के लिफाफे में ढक के और सावधानी पूर्वक तोड़ के और फिर उसको गड्ढे में डालना चाहिए या उनको जलाना चाहिए जो किसान भाई अभी अभी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं गेहूं और जौ में लगने वाले रोगों के और उनके प्रबंधन के बारे में हमारे साथ है डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत जी जो इस विषय पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गेहूँ और जौ की फसल में जो रोली रोग लगता है उसके लक्षण क्या हैं और उसका फिर निदान कैसे करें गेहूँ और जौ की फसल में तीन तरह की रोली रोग लगते हैं पहली पीली रोली रोग भूरी रोली रोग और काली रोली रोग लेकिन राजस्थान की जहाँ तक हम बात करें या हम पंजाब हरियाणा राजस्थान जो उत्तरी पश्चिमी हमारा जो भारत का भाग है उसमें पीली और भूरी रोली प्रमुखता से आती है और जो काली रोली है वो मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में इसका प्रकोप होता है तो राजस्थान के परिपेक्ष में बात करें तो ये दो तरह की रोली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले बात करते हैं पीली रोली रोग की जी। अभी जो मौसम चल रहा है जो पिछले दिनों काफ़ी अच्छी ठंड रही थी उसमें पीली रोली रोग आने की संभावना किसानों के खेत में बहुत ज़्यादा है तो पीली रोली रोग की जो लक्षण है उसमें आप देख रहे हैं कि पत्ते के ऊपर इस प्रकार का जो जैसे कोई हल्दी का पाउडर है वैसे पत्तियों के ऊपर ये कवक के बीजाणु है वो इस प्रकार से प्रकट हो जाते हैं और ये इस रोग को हम धारी पीली धारी रोली रोग भी बोलते हैं क्योंकि जो लक्षण होते हैं वो जिस प्रकार से कोई त्रिपाल के ऊपर जो मोटी सिलाई की जाती है जी। उसके अनुरूप इसके अंदर जो फंगस के जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं और ये पीला पाउडर जो आप देख रहे हो ये हवा के माध्यम से उड़ के एक पौधे से दूसरे पौधे में एक खेत से दूसरे खेत में एक गाँव से दूसरे खेत में गाँव में जाके और रोग का प्रसार करते हैं जहाँ हमने कंडवा रोग की बात करी थी कंडवा रोग का द्वितीय प्रसार नहीं होता है लेकिन इस रोग का द्वितीय प्रसार होता है इसलिए इस रोग का निदान करना बहुत आवश्यक है तो किसान भाई इस विशेष तौर से ध्यान रखें कि ये रोग पूरे खेत में एक साथ नहीं आता है सबसे पहले जहाँ पे छाया होती है पेड़ है कोई खेजड़ी है बबूल का पेड़ है वहाँ पे निरीक्षण करना चाहिए और फरवरी के महीने में ही इस रोग का प्रकोप शुरू होता है डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया कि इनके लक्षण ऐसे होते हैं इसका निदान कैसे करें हमारे किसान भाई जरा वो भी हमारे किसान भाइयों को बताए किसान भाइयों रोली रोग के निदान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में रोली रोग रोधक किस्में उपलब्ध है जी जो भी नवीनतम रोली रोधक किस्में हमारे पास गेहूँ और जो कि जिन किसान भाइयों ने उन किस्मों का इस्तेमाल करा है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आ, उन किस्मों में इन रोली रोग का प्रकोप नहीं होगा लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो पुरानी किस्मों का इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं बात करूँ जो कि तो जो भी जो के अंदर अभी भी आर डी बीस किसानों की बहुत पसंदीदा किस्म है हालांकि ये पुरानी है इसमें रोली रोग का प्रकोप होता है तो उन किसानों के खेत में जिन्हों जिन्होंने इस प्रकार इस प्रकार की किस्मों का जिनमें जो रोग ग्राही किसमें हो गई है जी वो लगा रखेंगे तो रोली रोग के प्रकोप की संभावना पूरी पूरी है इसी प्रकार से गेहूं के अंदर भी अभी किसान भाई रात चौदह सौ बयासी ले रहे हैं सी तीन सौ छः ले रहे हैं उनके अंदर भी रोली रोग प्रकोप होने की बहुत बहुत संभावना है तो किसान भाई सबसे पहले फरवरी के माह में अपने खेत का निरीक्षण करें जहाँ भी रोली रोग के प्रकोप जैसे मैंने बताया पीली रोली रोग के अंदर ये हल्दी जैसा पाउडर दिखता है भूरी रोली रोग के अंदर जैसे कोई ईट का पाउडर होता है ईट का पाउडर पीस के हम जैसे डाल देते हैं पत्ती के ऊपर उस प्रकार के फफोले प्रकट होते हैं जी। और पीली भूरी रोली रोग के अंदर जैसे हमारी चालनी में छेद होते हैं वैसे ऐसे छिताई वैसे जो जो स्पोर्ट बनते हैं छतराई उसे बनते हैं जबकि पीली रोली में एकदम धारी में बनते हैं अब इसका प्रबंधन यदि हमने रोग रोग किसमें लगाई है तब तो खेत में प्रकोप नहीं होगा लेकिन यदि रोगग्राही किसमें लगा दी और उसमें बीमारी का प्रकोप हो गया है तो किसान भाई इसके लिए उचित प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है इसके लिए टेबूकोना जोल एक दवाई आती है कवकनाशक दवा पच्चीस पॉइंट इस दवा का इस्तेमाल हम एक मिली लीटर लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं यदि ये दवाई हमारे मार्केट में नहीं मिले तो दूसरी दवाई प्रोपीगोना जोल आती है पच्चीस सीसी की वो दवाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक मिली लीटर एक लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के किसान भाई जो रोगग्रस्त फसल है उस पर सुबह या शाम के समय छिड़काव करें और यदि आवश्यकता हो और मौसम रोग के अनुकूल हो तो पंद्रह दिन के बाद में वो इस, इसी छिड़काव का दोहराव कर सकते हैं इस प्रकार से यदि किसान भाई इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो रोली रोग का कंट्रोल आसानी से कर पाएंगे किसान भाइयों देखा आपने यदि आप किस्मों का चयन सावधानी पूर्वक करते हैं तो इन रोगों से आप बचाव कर सकते हैं डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को गेहूं में लगने वाला करनाल बंट रोग इसके क्या लक्षण हैं और इसका निदान यदि कैसे करें ये भी जरा बताएं देखो करनाल बंट रोग वैसे कोई उत्पादन में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है लेकिन किसान भाइयों आप सब जान रहे हैं कि भारत के अंदर जो गेहूं का उत्पादन है वो अब हम पूरे भारत भी की हमारी जनता को भरपूर खिलाने के लिए भी हैं और हम दूसरे देशों को इसका गेहूं का निर्यात भी कर रहे हैं और इस साल तो हमने लगभग ढाई लाख टन गेहूँ जो है वो दूसरे देशों को निर्यात करा है तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है उसमें विपणन के लिए जो सबसे बड़ी समस्या वो करनाल बंट है और हमारे जो जो भी गेहूं का जो लौट जाता है बाहर विदेशों में उसमें यदि एक पूरे जहाज में एक भी दाना यदि करनाल करणालम का संक्रमित मिल जाता है तो वो हमारे गेहूँ को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसलिए क्योंकि हमारा उत्पादन इतना हो गया कि हम उसके लिए हम निर्यात करने की स्थिति में हैं तो करनाल करणालमट बीमारी बि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी जहाँ तक इसके लक्षण की बात है अन्य फसलों की बात ही इसमें पत्तों पर बाली पे किसी प्रकार के लक्षण हमें नहीं दिखाई देते जब उत्पाद हमारे हाथ में आता है जब थ्रेसिंग हो जाती है और गेहूं के दाने जब हमारे हाथ में आते हैं तब हम देखते हैं कि जो गेहूँ के जो दाने हैं उसके किनारों पर काले काले रंग का धब्बा बन जाता है और उसको हम दबाते हैं किसी सफ़ेद सरपेस पे चाहे कागज़ पे तो उसमें से काला काला पाउडर निकलता है ये करनाल बंट के लक्षण हैं तो जिन खेतों में ये करनाल बंट होता है वहाँ पे उचित प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है तो इसके लिए किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखें कि ये रोग आता तो बीज के माध्यम से है लेकिन बाद में इसका जो कवक है वो मृदा में स्थापित हो जाता है और वहाँ से फिर उन खेतों के अंदर करनाल बंट की समस्या नियमित रूप से रहती है तो जिन खेतों में इस प्रकार की समस्या होती है किसान भाई ऐसे गेहूँ का जो फसल निकालने के बाद में दानों पर इस प्रकार के लक्षण देखते हैं उन किसान भाइयों को चाहिए कि क्योंकि इस रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं इसलिए हमें रोग आने का इंतजार नहीं करना है इसके लिए हम जो दवा का छिड़काव करेंगे सबसे पहला छिड़काव करेंगे जब आ, फसल हमारी पोटे में होती है जिसको हम बूटली बिस्तेज बोलते हैं पोटे का मतलब होता है कि बाली निकलने की अवस्था में अब फसल आ गई है तो सबसे पहले हम छिड़काव करते हैं प्रोपिकोनाजोल का एक मिली लीटर एक लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के उस अवस्था में छिड़काव करते हैं और दूसरा छिड़काव करते हैं जब एक उंगल बाली बाहर निकल जाती है उस समय हम दूसरा छिड़काव करते हैं जो उसके लगभग पंद्रह दिन के बाद में होता है वो भी इसी दवा का प्रोपिकोनाजोल का एक मिली लीटर एक लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो हम करनाल बंट की बीमारी से हमारी फसल को आसानी से बचा लेंगे डॉक्टर साहब आप जाते जाते हमारे कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो समुचित रोग प्रबंधन कैसे करें मारवाड़ी में क्या होता है कि खेती घृणा सेती सेती तो खेती के अंदर आप जागरूकता से खेती करेंगे तो बहुत ही सही ढंग से निदान करेंगे सबसे पहले हम जो उन्नत किस्में हैं उनका उनका इस्तेमाल करें खेती में जो नवाचार है उसका इस्तेमाल करें मृदा के अंदर पोषक तत्वों की जानकारी लेके और उसके हिसाब से जो पोषक तत्व है उसका इस्तेमाल करें बीज उपचार हम जो दवाई आपको सिफारिश की गई उसके हिसाब से बीज उपचार करेंगे और खेत में समय समय पे निरीक्षण करेंगे और बीमारियों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि बीमारी आती कैसी है बीज के माध्यम से आती है एक हवा के माध्यम से आती है एक मृदा के माध्यम से आती है उसके अनुरूप जब हमारी जानकारी हो जाएगी और उसी के हिसाब से हम प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से हम फसल में जो रोगों से होने वाले जो नुकसान है उससे हम बच पाएंगे किसान भाइयों कहते हैं ना कि सुरक्षा ही बचाव है तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे। तो देखा किसान भाइयों आपने इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो रोगों का प्रबंधन बहुत आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों ये कार्यक्रम आपके लिए है इसलिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ आप देखना चाहते हैं यदि आपके कोई सुझाव हैं यदि आपने कोई नवाचार किया है तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम डीडी राजस्थान दूरदर्शन केंद्र जयपुर किसान भाइयों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है कृषि दर्शन जयपुर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम किसान भाइयों आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई नई जानकारियां लेकर तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा नमस्कार